नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे और वीडियो की शुरुआत और आज का हमारा टॉपिक भी हिबिस्कस ही रहेगा, जिसे कि हम हिंदी में गुड़हल बोलते हैं। और दोस्तों, हाइब्रिड में भी आता है ये और हमारे देसी में भी आता है। देसी में इसके दो तीन कलर होते हैं, एक तो रेड है ये, एक इससे थोड़ा हल्का रेड होगा और एक वाइट कलर होगा। और हाइब्रिड में आजकल बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कलर आने लग गए हैं। उसका फ्लावर भी मोटा होता है और पत्तियाँ भी थोड़ी इससे मोटी होती हैं। लेकिन दोस्तों, आपके जो कमेंट है वो हिबिस्कस पे इतने ज़्यादा आ रहे थे तो मुझे लगा आज मैं हिबिस्कस के बारे में डिस्कस कर लूँ। तो बार बार लिख लिख के मैं भी थक गई हूँ। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी दोस्तों, हिबिस्कस में क्या बात आती है कि आप में इसकी प्रूनिंग जो है वो टाइमली करनी है। आपको याद होगा सर्दियों में मैंने इस प्लांट को बिल्कुल ही गायब कर दिया था, बिल्कुल इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दी थी। और अब ये देखिए, अब ये जब इसका फूल खिलने का टाइम है तो कितने सुंदर सुंदर फूल भी खिलने लग गए हैं और पत्तियों का रंग भी कितना सुंदर है। तो प्रूनिंग करने से बिल्कुल ना डरा करें। और दूसरा, जब सर्दियों में आप इसकी कटाई छटाई करते हैं और गर्मी आने से पहले आपने इसकी मिट्टी की गुड़ाई करके, चाहे वो जमीन में लगा हुआ हो चाहे आपके गमलों में लगा हुआ हो, तो मिट्टी की गुड़ाई करके, चाहे आपको गोबर की खाद कहीं से मिलती है या पत्तियों की खाद कहीं से मिलती है, वर्मी कंपोस्ट कहीं से मिलती है, कहने का मतलब है जो भी आपके पास चीज़ अवेलेबल है ऑर्गेनिक, वो इसकी मिट्टी में मिला दिया करें। और अगर आपने दोस्तों इनऑर्गेनिक आप चीज़ें अगर यूज़ कर लेते हो तो दोस्तों थोड़े बहुत दाने इसमें DAP के डाल दो। और अगर आपको लगे इसकी पत्तियाँ मुड़ रही हैं या पत्तियों का रंग इतना अच्छा नहीं आ रहा या कर्लिंग हो गई है लीव्स में, तो आपने एप्सम सॉल्ट, जिसको कि हम मैग्नीशियम सल्फेट बोलते हैं, उसको पानी में घोल के 2 चम्मच 10 लीटर पानी में और अपने सारे के सारे प्लांट पे आपने स्प्रे कर देना है। तो उससे भी आपकी पत्तियां बहुत सुंदर हो जाएंगी और जो नई लीव्स निकलेंगी वो बहुत सुंदर निकलेंगी। तो बस मैं तो यही आइडिया करती रहती हूँ दोस्तों। और सबसे ज्यादा जरूरी है दोस्तों, जो भी हमारे फूलों वाले पौधे होते हैं, चाहे वो हिबिस्कस हो या और भी कोई फूलों वाले पौधे हो, उनको मैंने कई बार बता रखा है कि एसिडिक सॉइल उनको पसंद होती है। तो आप 15-20 दिन में या महीने में थोड़ा सा सिरका, कोई भी आपके पास अवेलेबल हो, वो एक ढक्कन पानी में डाल के, 1 लीटर पानी में डाल के अपने प्लांट की थोड़ा सा सॉइल में भी दे दिया करें और हल्का सा स्प्रे भी कर दिया करें। बेशक तो स्प्रे भी ना करें तो कम से कम उसकी सॉइल को एसिडिक बनाने के लिए उसकी सॉइल में डाल दें। तो ये करेंगे तो भी आपके फूल बहुत अच्छे से खिलेंगे और ज़्यादा फ्लावरिंग होगी आपके प्लांट्स पे। तो मेरा तो एक हरी ज़मीन में लगा हुआ है, यहीं से दोस्तों कटिंग काट काट के, जब मैं इसकी प्रूनिंग करती हूँ ना, फिर मैं इसकी स्टेम काट काट के और सारे प्लांट बनाती रहती हूँ। और हिबिस्कस की कटिंग को चलाना दोस्तों कोई भी मुश्किल बात नहीं है, बस ये थोड़ी सी आप अच्छी सी कटिंग ले पेंसिल की मोटी जितनी और बिल्कुल इसको लगा दें। मौसम भी अच्छा चल रहा है हिबिस्कस की कटिंग लगाने का। अगर आपके पास कोई कलर है या आपको कहीं और दूसरा कलर दिखता है तो उसकी ब्रांच ले आएं और अपना कटिंग तैयार कर करके इसके प्लांट भी जो हैं वो बहुत अच्छे से तैयार हो जाते हैं। तो बस अपने हिबिस्कस के साथ आपने यही कुछ करना है और इसको इतने ज़्यादा कोई रख रखाव की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। फुल सनलाइट में आप इसको रखें। कई बार हम इसको इनडायरेक्ट सनलाइट में रख देते हैं और तो इसकी इतनी ज़्यादा अच्छी फ्लावरिंग नहीं होती। इसको पानी भी बहुत ज़्यादा पसंद है और इसको सनलाइट भी प्रॉपर मिलनी चाहिए, तभी आपके जो फ्लावर हैं और आपका प्लांट है वो बहुत सुंदर से निकल के आएगा, चाहे आपके वो गमले में लगा हुआ हो और क्यारी में भी अगर आप लगा रहे हैं तो अपनी डायरेक्शन को देख के लगाएं। तो बस दोस्तों, ये आज एक और फूल खिला हुआ, वैसे परसों तरसों बहुत सारे खिले हुए थे बरसात के बाद, आज यही खिला हुआ एक। वैसे बहुत सारे प्लांट रखे हुए मेरे पास हिबिस्कस के। तो बस उम्मीद है आपको सारी की सारी बातें समझ में आ गई होंगी, कैसे आपने अपने हिबिस्कस को अच्छे से रखना है और कैसे भी आप इसकी कटिंग लगाएं, हाइब्रिड की लगाएं देसी की लगाएं, वो बड़े आराम से चल जाएंगी। तो चलिए और भी कुछ देख लेते हैं अपने गार्डन में, हमारे गार्डन में और क्या क्या उग रहा है ना। तो ये सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं, आओ और भी दिखाती हूँ। ये भी हैंकर करके लगा रखे हैं मैंने, है ना, कितने अच्छे चल रहे हैं सब। तो बीच बीच में जो एप्सम सॉल्ट है ना, उसका पानी में घोल बना के ना स्प्रे कर दिया करें तो पत्तियों का रंग और भी ज़्यादा सुंदर हो जाता है उससे, और जो कर्लिंग की समस्या है लीव्स में हो जाती है वो भी ख़त्म हो जाती है। ये डबल चांदनी का है,
ये वाइट वाले भी खिले हुए हैं, और देखो ये अपराजिता का भी खिल रहा है ना, खिला नहीं है अभी, है ना, बस खिलने वाला है, धूप आएगी ना इधर तब खिल जाएगा। बस अपना ऐसे मिक्स एंड मैच करके लगाया करो, अच्छे लगते हैं। फिर मल्टी कलर वाले प्लांट्स लगे हुए भी, और जब फूल खिलते हैं तो वो भी बहुत सुंदर लगते हैं, है ना। तो बस दोस्तों, उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ यू एंड योर प्लांट्स।